एपिसोड में हम डिस्कस करेंगे यस बैंक स्टॉक के बारे में। हमने देखा कि सैटरडे को इस स्टॉक के क्वार्टरली नंबर्स आते दिखे और नेट इंटरेस्ट मार्जिन में 30 बेसिस पॉइंट का डाउन ट्रेंड रहा। और इसके बाद बहुत सारे लोग बोल रहे थे अरे बर्बाद है, 12 जाएगा, 10 जाएगा, ये जाएगा। हमने कहा कि रिजल्ट बेटर है, एसेट्स क्वालिटी बढ़ते दिख रहे हैं, नेट प्रॉफिट में भी 50% की उछाल दिखी। ये अलग बात है, जो स्ट्रीट के एक्सपेक्टेशन थे उस एक्सपेक्टेशन को बीट नहीं कर पाया। मैं बहुत बड़ी गिरावट एक्सपेक्ट नहीं करता हूं। आज की जो ये गिरावट रही है इसीलिए क्योंकि मार्केट ही डाउन रहा है। कोटक इतने बेटर रिजल्ट के बाद भी 2% के आसपास का डाउन ट्रेंड है, फिर यस बैंक के क्या ही कहने। इतना ही, अगर इसके निवेशक इस स्टॉक से परेशान होता तो आज ये स्टॉक 10% के नीचे ट्रेड कर रहा होता। तो आई होप कि आप समझ गए कि बहुत बड़ी गिरावट नहीं दिखेगी। बाजार को लेकर के इंटरेस्टेड हैं तो बेल नोटिफिकेशन को ऑन करके चैनल सब्सक्राइब करें। प्रीमियम टेलीग्राम आपके लिए फ्री है, उसको ज्वाइन करें। जो नेसेसरी चीज है वही दूंगा, बेकार की कुछ भी बातें मैं वहां नहीं देता। कॉल्स काफी कम मिलते हैं लेकिन जो मिलेंगे सॉलिड मिलेंगे। बाजार में इंडिपेंडेंटली ट्रेड करना है तो प्रीमियम टेलीग्राम में जो लिंक मैसेज जो हमने पिन कर रखा है उसको फाइंड आउट करें। मास्टर क्लास आप हमारा ज्वाइन कर सकते हैं और हमारा गारंटी है कि नजरिया बाजार को देखने का अगर चेंज नहीं कर दिया तो पूरा रिफंड आपका। अब यहां देखेंगे कि यस बैंक Q2 अर्निंग नेट प्रॉफिट जो है 47% राइज होते हुए दिखा और जिसके बाद जो है 225 करोड़ के नंबर्स आते दिखे। लेकिन जो स्ट्रीट के एक्सपेक्टेशन थे वो कुछ ज्यादा ही थे और उसमें थोड़ा बहुत वो खरा नहीं उतर पाया। कोटक का क्या कहना है, यहाँ देखेंगे कोटक जी क्या कह रहे हैं। कोटक जी ने इनके जो टारगेट है उसको रिड्यूस करा है। यहाँ देखेंगे कोटक जी के द्वारा जो है मेंटेन रिड्यूस रेटिंग करा गया है। रिजल्ट बेटर रहे, यहाँ भी आप चाहेंगे तो काफी आसानी से क्या प्रॉफिट रहा, क्या रेवेन्यू रहे, नेट इंटरेस्ट मार्जिन क्या रहा, आरओई क्या रहा, आरओईस क्या रहा, ये सब आप पढ़ सकते हैं। पीसीआर क्या रहा, प्रोविजनल कवरेजिंग कवरेज रेशियो। और इसके अलावा देखेंगे तो इस समय टेक्निकली थोड़ा वीक है और ये स्टॉक ही नहीं पूरा सेक्टर ही अंडर परफॉर्म दिख रहा है। यहाँ देखेंगे सेक्टर ही अंडर परफॉर्म है। डिलीवरी अभी भी बेटर दिख रही है, डिलीवरी जो है वो बेटर दिख रही है। एक बार यस बैंक जो है वो शॉर्ट टर्म का घोड़ा नहीं है, इसको आप तभी लेना है जब आप मिनिमम 1 ईयर होल्ड करेंगे। इस समय ये अपने मेजर डिमांड जोन, यहाँ देखेंगे कंसोलिडेट किया, ब्लास्ट हुआ, फिर यहाँ से रेजिस्टेंस आया, इसीलिए हमने क्यों कहा कि 19 के ऊपर ही लॉन्ग करेंगे क्योंकि ये मेजर रेजिस्टेंस है। इस समय ऑलरेडी इन्वेस्टेड है तो ठीक है, फ्रेश बाइंग जो है इस स्टॉक में यहाँ ये जो लेवल आपको दिख रहा है इसको नोट कर लें। 14 रुपीज 80 पैसे से 15 रुपीज 50 पैसे के बीच में ही फ्रेश क्वांटिटी ऐड करेंगे। इसके ऊपर जब तक है इग्नोर करें और मिनिमम इसके ऊपर, इससे यहां तक का ये नो ट्रेडिंग जोन है। शॉर्ट टर्म ट्रेडर बिल्कुल इग्नोर करें, क्वांटिटी इतना ही लें जिसको मोर देन 1 ईयर के लिए।